अगर आप कोई ऐसा फेस वॉश ढूंढ रहे हो जो कि आपकी स्किन को काफी सॉफ्ट और ग्लोइंग रखे, तो एक बार इस राइस फेस वॉश को ट्राई करके देखो। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट ग्लोइंग बनाएगा, साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स होने नहीं देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 चम्मच धुले हुए चावलों में आधा कप पानी ऐड करके उन्हें पूरी रात के लिए ऐसे ही भिगोए छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पर इन्हें भिगो दिया है। अब इसके बाद में एक अलग बोल में मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 2 चम्मच एलोवेरा जेल। और फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूंगी आधा चम्मच ग्लिसरीन। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप 2 विटामिन E कैप्सूल्स का ऑयल इसमें ऐड कर सकते हो। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच शहद। और अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी जो चावल हमने रात भर भिगोए थे उसका पानी। इस पानी को हम फर्मेंटेड राइस वाटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच राइस वाटर। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये एक जेल कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। तो मैंने यहाँ पर कर लिया है इसको अच्छे से मिक्स। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूंगी सोप बेस। मैंने यहाँ पर ये एक ट्रांसपेरेंट सोप बेस लिया है, इसको सबसे पहले मैं कर लूंगी मेल्ट। तो मैंने कर लिया है सोप बेस को मेल्ट और अब मैं अपने फेस वॉश में इसको ऐड कर दूंगी ताकि हमारे फेस वॉश में थोड़ा सा झाग क्रिएट हो जब हम चेहरा धोएं तब। और अब इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे कर लिया है इसे अच्छे से मिक्स। इसके बाद में मैं इसे ट्रांसफर कर लूंगी इस तरीके के एक कंटेनर में। मेरे पास यहाँ पर एक बॉटल है जिसमें मैं इसे फिल कर लूंगी। आप अपनी पसंद के किसी भी कंटेनर में इसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये जो फेस वॉश हम बनाने जा रहे हैं ये फेस वॉश आपका 1 से 2 महीने तक आराम तक चल जाएगा। तो मैंने मेरा जो फेस वॉश है वो तो कर लिया है इस कंटेनर में ट्रांसफर, आप देख ही सकते हो। ये जो फेस वॉश है ये आपको रोज इस्तेमाल करना है ताकि आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स मिलें। मैं आपको इससे अपना फेस भी साफ करके दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से गीला कर लें, उसके बाद में इस फेस वॉश में से थोड़ा सा फेस वॉश लेकर अपने चेहरे को धोना स्टार्ट करें, यानी अपने चेहरे पर मसाज करना स्टार्ट करें। हल्के हाथों से ही धोना है। ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा जेंटल रहेगा आपकी स्किन के लिए। अगर आपको हार्श फेस वॉश नहीं पसंद है तो ये बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। यह आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा, स्किन प्रॉब्लम्स होने से रोकेगा जैसे एक्ने, पिंपल, स्कार्स, और साथ ही आपकी स्किन को बनाएगा काफी ज्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग। तो आप एक बार इस फेस वॉश को जरूर बनाकर देखो, ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक ही बार में आपको इसका जो रिजल्ट है ना वो पता चल जाएगा। इस फेस वॉश को अगर आप बनाते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।